आज की इस वीडियो में मैं अपने क्वेश्चंस पे नहीं आप लोग के क्वेश्चंस पे वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इस पे तो वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट आप लोग मेरे हर वीडियो पे कमेंट्स करते हो अपने क्वेश्चंस और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो अब आप लोग लग रहा होगा मैं आप लोग के कमेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दे जिसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन हो, जिसका नाम होगा क्वेश्चन क्रैश, क्योंकि मैं इसमें आप लोग के क्वेश्चन को तोड़ के उसका आंसर करने वाला हूँ। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ। अब इस कम्युनिटी पोस्ट मैंने कहा था सिर्फ बेंटन के क्वेश्चन पूछना, बट आप लोगों ने मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, और सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन जीएफ है, व्हाट इज योर जीएफ नेम, आप शादी कब कर रहे हो। अब ये वो वाली वीडियो नहीं है जिसमें आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पूछना था, मैंने इसमें सिर्फ बेंटन के क्वेश्चन बोला था। ये तो आप लोगों ने पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे यार पता आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और इस पे मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी नहीं, मैं इस पे प्लान कर रहा हूं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, पर ये वो वाला वीडियो नहीं, इसमें सिर्फ मैं बेंटन के क्वेश्चन को ही इसलिए कवर कर रहा हूं। तो अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एको बेंटन क्लोन ट्रांसफॉर्म इनटू एलियन एक्स, मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि जैसे बेंट अल्टीमेट एलियन में एको का यूज करके बेंट रेसन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वो अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो क्या उसी की तरह एलियन एक्स में भी बेंट रेसन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, तो अब ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा बेन एको में ट्रांसफॉर्म होकर ओमनीट्रिक्स का यूज करके अगर ये तीन बेन में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर वो जो तीनों बेन है वो ओमनीट्रिक्स का यूज करके अगर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो एलियन एक्स ज्यादा पावरफुल होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा यार बिल्कुल भी मत समझना कि ये तीन एलियन एक्स होंगे तो ये ज्यादा पावरफुल होंगे। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एलियन एक्स के अंदर दो पर्सनालिटीज है, सरीना और बेलेकस, और जब बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको सरीना और बेलेकस की परमिशन लेना पड़ता है एलियन एक्स की पावर को यूज करने के लिए। तो जब ये तीनों ही एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इनको अलग अलग सरीना और बेलेकस अलॉट किया जाएगा, ये तीनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे। मतलब कि यार पहले एलियन एक्स के अंदर तीन पर्सनालिटीज होती थी, बेन, सरीना और बेलेकस, पर अब पांच पर्सनालिटीज है, तीन बेन की पर्सनालिटीज और दो एलियन एक्स की पर्सनालिटीज। हाँ, तो अब इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये जो तीनों बेन है इनको पहले एक डिसीजन में आना पड़ेगा, जो कि यार ये लोग आने से रहे क्योंकि यार ये लोग भी बहुत बहस करते हैं। और फिर चलो कि मान लिया कि ये तीनों एक डिसीजन में आ गए, पर इनका जो सेकंड टास्क है कि इनको सरीना और बेलेकस को एग्री करवाना पड़ेगा। हाँ, तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहले यार इन तीनों को एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद इनको ये दोनों पर्सनालिटीज को, फिर वो जाके एलियन एक्स का पावर यूज करेंगे, तो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट रूल करेगा। हाँ, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर एनर्जी अपने कंटेनमेंट सूट से बाहर हो और ऑर्मेंटस का टाइम आउट हो गया तो क्या होगा। देखो, अगर एनर्जी अपने कंटेनमेंट सूट के पास होगा और तब टाइम आउट हुआ तो ऑर्मेट्रिक्स उसको अपने कंटेनमेंट सूट के पास खींच लेगी और फिर टाइम आउट हो जाएगा और वो फिर से बैन बन जाएगा। इन केस अगर वो अपने सूट से दूर होता है तो उसका डिटोला सीन हो जाएगा, जब तक यार वो सूट के अंदर नहीं जाता ऑर्मेट्रिक्स का ब्लिंक ब्लिंक होता ही रहेगा, और वो जैसे अपने सूट के पास जाएगा ऑर्मेट्रिक्स को अपने सूट के अंदर खींच लेगा और वो फिर से नॉर्मल होकर बैन बन जाएगा, जैसा डिटो के साथ बेंटन क्लासिक में हुआ था। ब्रो, कोई ऐसे पांच एलियन के डिजाइन बताओ जिनके डिजाइन पहले बेस्ट थे लेकिन अब वर्स्ट कर दिए, योर ओपिनियन। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं जिनके डिजाइन मेरे को पहले बेस्ट लगते थे बट बाद में वो वर्स्ट कर दिए गए। फर्स्ट है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स को ओमनीवर्स के अंदर कुछ ज्यादा बल्कि दिखाने के लिए उसके लेग्स कुछ ज्यादा ही पतला कर दिया, जो कि उसकी बॉडी से सूट ही नहीं कर रहा। एग्जांपल के लिए अगर तुम लूमा को लोगे तो उसके लेग्स उसके बॉडी से सूट कर रहे, पर फोर आर्म्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके लेग बॉडी के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। सेकंड, एको, आखिर इसको बना क्या दिया है, एक बार इस वाले एको को देखो और एक बार इस वाले एको को। ये तो टट्टी है, सच में यार पूरा टट्टी बना दिया। नंबर थर्ड, ईटल। बेंटन ओमनीवर्स के अंदर जब इस एलियन को फर्स्ट टाइम दिखाया तो मुझे लगा था ये कोई न्यू एलियन है, बट यार बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पुराना वाला वो ईटल है, बट ये इसका आर्ट स्टाइल चेंज कर दिया है, बट इतना चेंज कर दिया कि पहचान में नहीं आ रहा, सिर्फ इसके कलर से थोड़ा मैच कर रहा है कि हाँ शायद ये वो पुराना वाला ही ईटल है। फोर्थ, बिगचिल। सीरियसली ये बेकार नहीं, महा बेकार है, बकवास, टट्टी है बिल्कुल। इसका नाम बिगचिल नहीं बिग चेस्ट होना चाहिए क्योंकि ओमनीवर्स में तो ये लोग ने यही कर दिया है। और फिफ्थ, में कोई ऐसा एलियन नहीं लगता जिसका डिजाइन इतना बेकार है, ये जो चार है इनके डिजाइन ही मेरे को सबसे बेकार लगते हैं। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, भाई अगर क्वांटम मिलिया फिफ्थ डायमेंशन बींग है तो एलियन एक्स कौन सा डायमेंशन बींग है। तो पहले एलियन एक्स कोई भी डायमेंशन बींग नहीं है, बिकॉज एलियन एक्स की जो स्पीसीज है उनको टाइम स्पेस और डायमेंशन से कोई मतलब ही नहीं होता, और वो रहते भी ऐसी जगह है जहां पर इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, तो जो इनका सेकंड क्वेश्चन है, ऑल पावरफुल कैरेक्टर्स इन बेंटन, तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप लोगों को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग इस वीडियो के बाद देख लेना, नहीं तो यार आप लोगों के क्वेश्चन आके भी चल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पहले इस वीडियो को देखना उसके बाद आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन नहीं, इतने सारे क्वेश्चन है जिनका मैं फटाफट आंसर करता हूं। फेवरेट एलियन डायमंड एट न्यू सीरीज कब आएगा, टेंशन मतलब बता रहा हूं यार, सब्र रखो भी। जूली और ग्वेन, ग्वेन ज्यादा बेस्ट है। इफ यू कैन चूज ओनली वन एलियन विदाउट एलियन एक्स, व्होम डू यू चूज। मैं यार ऑब्वियसली डायमंड एट ही चूज करूंगा। फेवरेट कैरेक्टर विदाउट बेन, ग्वेन और केविन, यूनिस। एनर्जी और एटॉमिक्स, एनर्जी। बिगचिल और स्वॉम्पायर, बिगचिल। वैम्पायर और गोस्ट फ्रीक, वैम्पायर। अबचक और रेड,
कॉमेडी के हिसाब से तो रेड ज्यादा बेस्ट है। लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू ब्रो, बिग फैन फ्रॉम 2021, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने टाइम से देखने के लिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन रिबूट के अंदर एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में जब बेंटन 1000 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तब सरीना और बेलेकस ने उसको एलियन एक्स का कंट्रोल क्यों दिया था? क्योंकि बेंटन 1000 एक बुरा काम करने वाला था। तो अब देखो, ये ऐसे तरीके से काम नहीं करता। पहली बात तो एलियन एक्स को बुरे अच्छे से कोई मतलब ही नहीं होता, बस यार उन दोनों को एक ही किसी डिसीजन में एग्री करवाना पड़ता है, तभी वो बंदा एलियन एक्स की पावर को यूज कर पाता है। और हाँ, इस रिलेटेड मेरे को भी बात करना था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एलियन एक्स अपनी पावर तभी यूज करने देते जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे होते। तो देखो, एलियन एक्स को इससे कोई मतलब नहीं होता, और सिर्फ इस रीजन की वजह से ही हमें यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे पूरे नेगेटिव सेलेस्टियल सेपियन भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम ईविल सेलेस्टियल सेपियंस भी कहते हैं। हाँ, तो जो इनका सेकंड क्वेश्चन है कि बेंटन का न्यू सीरीज कब आने वाला है, तो टेंशन मतलब इस पे भी अभी मैं बात करने वाला हूँ बहुत डिटेल तरीके से, तो वीडियो में बने रहना। एलियन एक्स को कौन सा कैरेक्टर हरा सकता है? तो अब देखो, एलियन एक्स को खाया जा सकता है, यहाँ तक इसको डराया भी जा सकता है, पर उसको हराया नहीं जा सकता। कोई भी यार कैरेक्टर बेंटन के अंदर नहीं है जो इसको हरा दे। क्वेश्चन, अगर बेंट को अल्टीमेटिक्स एलियन फोर्स की स्टार्टिंग में मिल जाती तो क्या होता? कुछ नहीं होता और कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यार एलियन फोर्स से बेंट को पता चल गया था कि ऑमेट्रिक्स कोई मजाक करने वाली चीज नहीं है। इसको यार कलाई में पहनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये चीज बेंट को एलियन फोर्स में एकदम अच्छे से पता चल गया था जब यार उसने सेकंड टाइम ऑमेट्रिक्स को पहना था, जिसको वो बेंटन क्लास में सिर्फ मजे के लिए यूज करता, बट एलियन एक्स में उसको अच्छे से पता चल गया था कि ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। और यार इसलिए इसको अगर अल्टीमेट्रिक से मिलता तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता। बेन को यार अल्टीमेट्रिक्स एलियन फोर्स से मिल जाती तो वो इसका भी बहुत अच्छे से यूज करता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन है। पैराडॉक्स वर्सेस क्वांटमिलिया, हु विल विन? मेरे ओपिनियन से पैराडॉक्स। सेकंड, हु इज द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन इन बेंटन? वर्डोना। थर्ड, फीडबैक वर्सेस क्रोमास्टोन? फीडबैक। फोर्थ, अल्टीमेट वेबिक वर्सेस एटॉमिक्स? अल्टीमेट वेबिक। फिफ्थ, हु इज योर फेवरेट विलन इन बेंटन? Obviously यार विलगैक्स, क्योंकि यार जब भी विलगैक्स की एंट्री होती है कुछ दमदारी चीज देखने को मिलता है। सिक्स्थ, विच कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, केविन और रुक? देखो यार केविन, क्योंकि केविन से बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं, बेंटन क्लासिक से लेके ओमनीवर्स तक बहुत सारी यादें केविन से कनेक्टेड है। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन ओमनीवर्स में गोस्ट वीक से चैन क्यों अटैच था? बताता हूँ क्यों। तो अब देखो, बहुत सारे लोग ये मानते हैं और मुझे भी लगता है कि शायद ये रीजन भी हो सकता है, गोस्ट वीक का पास्ट में बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से उसके बॉडी में ये चैन को अटैच किया जाता है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगता है। पर जो मेरा एक्चुअल जो ओपिनियन है इसके पीछे, वो ये है कि जो ओमनीवर्स की एडवांस ओमेट्रिक्स है उसके अंदर इस चीज को प्रोवाइड किया गया है जो कि एलियंस की लिमिट्स को कंट्रोल करके रखे, इसलिए यार इस चेन को गोस्ट वीक से अटैच करके देखा है। अगर आप अदर किसी और एलियंस को कंपेयर करोगे इससे, जैसे कि एनआरजी हो गया, उसकी जो रेडिएशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए उसको ये सेकंड वाला कंटेनमेंट सूट प्रोवाइड किया गया था, अगर वो अपने कंटेनमेंट सूट के बाहर रहे तो उससे किसी और को हार्म ना हो सके। तो यार वैसे ही गोस्ट वीक के साथ भी सीन होगा शायद, इसलिए उसको ये चेन प्रोवाइड किया गया हो कि इससे वो दूसरे को भी हार्म ना कर सके और ना अपने आप को हार्म कर सके, जैसे वो अपने आप बेंट को हार्म कर ले रहा था बार बार, तो यार उसके लिए ही मेरे हिसाब से ये चैन को प्रोवाइड किया गया होगा। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता अगर बेंटन रिबूट के बजाय केंटन की सीरीज आती तो क्या वो पॉपुलर होता? हाँ, तो जो मेरा ओपिनियन है, हाँ बेंटन की सीरीज से तो ज्यादा ही पॉपुलर होता केंटन की सीरीज अगर आती तो, क्योंकि यार 10 साल वाले बेंट बेंटन क्लासिक की सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो यार केंटन की सीरीज आती तो उसमें ऑब्वियसली बेंटन 1000 को दिखाया जाता, तो वो इससे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती क्योंकि उसमें बेंटन 1000 भी तो है। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका मेरे को बहुत ज्यादा डिमांड आया, मतलब ये कह लो कि सबसे ज्यादा डिमांड मेरे को इसी क्वेश्चन का आया, वो है बेंटन की न्यू सीरीज। ब्रो, बेंटन की न्यू सीरीज कब तक आएगा? न्यू सीरीज कब आएगा? बेंटन का नया सीरीज कब आने वाला है? बता रहा हूँ कि बेंटन का न्यू सीरीज कब आ रहा है। तो अब देखो, मैं जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को फेक न्यूज भी दे सकता हूँ, जिससे आप लोग इजीली मेरी बातों पे ट्रस्ट कर लोगे और यार उससे मेरे को बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे, बट यार बाद में जब आप लोगों को पता चलेगा ये चीज तो आप लोगों का दिल टूट जाएगा और आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा न्यू सीरीज से रिलेटेड, जिसका सीधा आंसर है अभी के लिए तो ना। बीच में यार एक बार न्यू सीरीज की बात लिख ली थी जिसका कोई भी अपडेट अभी नहीं है, मतलब कि यार वो स्टक पड़ा हुआ है, वो आ भी सकता है और नहीं भी। बहुत सी यार ऐसी फेक वेबसाइट है जो कि हर यार 2 से 3 हफ्ते में एक बेंटन की न्यूज दे देती है कि बेंटन की जो न्यू सीरीज है वो इस डेट को आएगी उस डेट को आएगी, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ पर फिर भी लोग मेरे से आके पूछ रहे हैं कि भाई बेंटन की न्यू सीरीज कब आएगी, तो यार जो इसका रियल न्यूज है वो यही है कि अभी तो फिलहाल कोई भी चांस नहीं है। हाँ, पर टेंशन मतलब जैसे ही न्यू
सीरीज की कोई भी अपडेट मिलती है सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैनल पे बताऊंगा। तो यार फिलहाल मेरे को अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज नहीं मिला है कि बेंटन की न्यू सीरीज इस टाइम या उस टाइम में आने वाली है। हाँ, तो कोई भी ऐसा मत समझना कि मैंने ये कह दिया कि बेंटन की न्यू सीरीज कभी आएगी ही नहीं। मैंने यार ऐसा कहा है कि वो बीच में फंसा हुआ है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब कि यार आप लोग 50-50 रेशियो मान के चल सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मेरे कोई अपडेट मिलेगा मैं आप लोग तक तुरंत पहुंचा दूंगा। तो अब यहां पर खत्म होते हैं सबके क्वेश्चंस। अच्छा, सबके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए क्या? तो यार मैं पहले सॉरी बोलना चाहूंगा उन लोगों को जिनके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए। उसके यार दो रीजन है। फर्स्ट, इतने सारे क्वेश्चन होने की वजह से मैं इस वीडियो में सारे को कवर नहीं कर पाया। सेकंड, पता नहीं यूट्यूब ने मेरे इस कम्युनिटी पोस्ट पर ऐसा कौन सा ग्लिच कर दिया जिसकी वजह से मेरे को सारे कमेंट शो नहीं हो रहे थे। अगर आप लोग गिनोगे तो यहाँ पर जितने कमेंट लिखे उतने कमेंट नहीं है। इसमें कुछ बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कमेंट थे उनको मैं पिक नहीं कर पाया, वो मुझे शो ही नहीं हो रहे। इसलिए यार इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाओ, पार्ट टू कमेंट करो और उसके साथ अपने आप क्वेश्चन कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के क्वेश्चन को पिक करूंगा, इसलिए जल्दी जाओ पार्ट टू के साथ अपने क्वेश्चन को भी कमेंट करना। देखो यार इसके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि मैं इसका पार्ट टू कब लेके आऊंगा। अगर इसमें अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं जल्दी से इसका पार्ट टू ले आऊंगा, और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अगर ठीक ठाक सा रिस्पांस मिला तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके पार्ट टू में। तो मैं आप लोग को बताता हूँ पार्ट टू के लिए मैं कैसे क्वेश्चन को पिक करने वाला हूँ। तो यार देखो, पहले तो मैं इस वीडियो के 50% क्वेश्चन को पिक करूंगा और 50% मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट से क्वेश्चन को पिक करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के क्वेश्चन को जल्दी से पिक कर लूँ तो आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि यार जैसे ही मैं क्वेश्चन वाले कम्युनिटी पोस्ट करूंगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। तो यार आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो और वहाँ भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। तो यार आपके काफी चांस बन जाते हैं कि मैं आप लोग के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ले लूं। इसलिए यार यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना जिसको भी अपने क्वेश्चन को पिक करवाना होगा। तो यार एंड में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, जो भी यार वीडियो यहाँ तक देख लिया प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और यार जब तक मेरी न्यू वीडियो आ रही है आप लोग इस वीडियो को देखना, ये भी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली आप लोग को मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।